पाली औद्योगिक थाना क्षेत्र में एक विवाहिता के साथ सामूहिक दुष्कर्म और साथ ही ब्लैकमेल करने का एक मामला सामने आया। पीड़िता ने इस मामले को लेकर पुलिस थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई और इसके तुरंत बाद हरकत में आए पुलिस प्रशासन ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता ने ये मामला दर्ज करवाया था कि वह अपने पड़ोसी के साथ बाइक पर मंदिर गई थी, तभी मामाजी की नाड़ी के पास 5 युवकों ने बाइक को रुकवाकर उनके साथ मारपीट की और साथ ही महिला के साथ दुष्कर्म किया। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। रात्रि में करीब 9:30 बजे एक महिला, 30 वर्षीय महिला ने औद्योगिक थाना क्षेत्र में ये रिपोर्ट दी कि दिनांक 26 मई को शाम को दोपहर के करीब 2:30 बजे वो अपने एक मित्र के साथ जो मामा नाड़ी एरिया है पाली का वहाँ पर थी और तब 5 लोगों ने उनको रोका और रोक करके और उन दोनों के साथ मारपीट की और उसके बाद उसको वो खींच करके, चूँकि वो बिल्कुल सुनसान इलाका है, वहाँ जो झाड़ियाँ हैं वहाँ पर ले गए और वहाँ पर उसके साथ उन्होंने सामूहिक दुष्कर्म किया। तो ऐसे में हमने इसको गंभीरता से लेते हुए तुरंत ही प्रकरण दर्ज किया, तो तुरंत ही महिला के बयान, वीडियो रिकॉर्डिंग के बयान लिए गए और फिर जो उसका मित्र था उसको बुला करके उसके बयान लिए गए, जिसमें उसने उन 5 लोगों का खुलासा किया। इन सभी की उम्र करीब 20 से 24 वर्ष के बीच में है और तुरंत ही हमने, उस टीम ने दबिश देते हुए इनमें से 4 लोगों को रात को ही, मतलब 6-7 घंटे के भीतर ही दस्तयाब कर लिया, सुबह तक इनको दस्तयाब कर लिया।